Huh oh. तो कैसे हैं आप सब अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें जहाँ रहें खुश रहें मुस्कुराते रहे, रहे, रहे आमिन शुआमिन और ये है शहरी का टाइम और बस यहाँ पे हो रही थी शहरी जैसे कि आपने हाइलाइट्स और थंबनेल में देख चुके हैं कि आज है अवतार व्लॉग जो कि मेरे भाई के घर पे आज दावत थी अवतार और बस हम लोग वहाँ पर जाने की तैयारियां थी और यहाँ पर मैंने मैंने नहर को बिल्कुल रेडी कर दिया था और अब बस बारी थी अनाया नूर की रेडी होने की और आज मैंने उसके लिए निकाला था ये वाला ड्रेस और साथ में मैंने सोचा कि रेड सॉक्स और रेड हेयर बैंड लगाऊंगी ना जो कि ड्रेस के साथ भी मैच हो रहा था और बस मैंने यहाँ पे नया नूर को कर दिया है रेडी और ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे शूज बनाए और कैसे पाऊँ हिला हिला के हिला के हिला के सारे मतलब उसने ना वो कर दिए थे निकाल दिए थे बाहर और ऐसे जाने से पहले तोड़ भी दिए थे तो खैर यहाँ पे यह कि अनाया बिल्कुल रेडी थी और बस अब मेरी बारी थी और मैंने यहाँ पे अपने लिए ड्रेस प्रेस किया था और बस नमाज पढ़ी और साथ ही मैंने जाने की बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दी जिसमें ये दूध है जो कि अनाया का और मिनाहिल का ये तो लाजमी है और बस मैं यहाँ पे रेडी थी मैं आपको यही दिखा रही हूँ और बस अब निकलने लगे थे मैंने बाया पहना था तो घर बिल्कुल मतलब कह लेना हमारी एक गली में लेकिन फिर भी मैं बाया यूज़ करती हूँ क्या ये भी चाहती हूँ कि मैं उसमें कम्फर्टेबल फील करती हूँ तो बस अब हम हम यहाँ पर आ गए थे और बस वेट करेंगे दरवाज़ा खुले और हम लोग अंदर जाएँ तो बस हम लोग चले गए थे ऊपर और मैं जल्दी चली गई थी जैसे ही मतलब नमाज़ से फ्री हुई हूँ और मैं साथ ही चली गई थी कि थोड़ा बहुत काम करवा दूँगी जबकि काम मैंने इतना कोई ज़्यादा नहीं करवाया क्योंकि ना मेरी तबीयत पता नहीं क्यों जीप सी थी शायद नींद नहीं पूरी हो रही कल भी मैं मतलब देर से सोई थी और बच्चों को मैंने यहाँ पे बिठा दिया था क्योंकि बोर हो रहे थे इंतजार कर रहे थे आप ही के बच्चों का और वो भी थोड़ी देर बाद आ गए थे अच्छा बच्चे जब आ जाते ना तभी दोनों को थे क्योंकि भाभी के बच्चे भी अभी घर पे नहीं थे वो लोग भी इस पारा पढ़ने गए हुए थे और आप ही के भी नहीं थे यहाँ पर आप ही आ गए और ये आपकी की गोद में अनाया नूर बैठी हुई है माशा हर कोई उठाता रहता है इसको और बस यहाँ पर स्टार्ट हो गई है अफ्तारी की तैयारियाँ और सबसे पहले मैंने जो चीज़ें दिखाई हैं वो चाट की सारी चीज़ें थी जो चने लोबिया सब कुछ ना बॉयल होकर पहले से भाभी ने कर लिया था वो सारे काम सुबह ही उन्होंने और यहाँ पर छोटा गोश्त बन रहा था इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था पुलाव की तैयारी और यहाँ पे आप आपकी साथ में चाट की ना थोड़ी चीज़ें जैसे पुदीना हरी मिर्ची प्याज इस टाइप की चीज़ें ना मतलब वो कर ली थी और बस मैं यहाँ पर मैं बैठी हुई थी बनाया तो खैर भाभी ने बस ये कि मैंने चम्मच स्टार्ट में मैंने ऐसे किया आ, मतलब प्याज को ब्राउन किया और बस उसके अंदर अंदर लसन का पेस्ट डाला और मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट और इसको बस भूनेंगे उसके बाद क्योंकि यखनी वाला पुलाव है ना तो यहाँ पर देखिए हम यखनी डाल डाल के इसको भून रहे हैं और यहाँ पर भाभी जो है ना वो लेग पीस बाहर निकाले क्योंकि ना फिर वो चिकन जो होती है ना बहुत ज़्यादा ना गल जाती है तो वो पहले से बॉयल हुई होती है फिर भुनाई के टाइम ना वो गल वो वो जाते तो इसलिए ना उन्होंने ए, उसके जो लेग पीस थे ना सारे वो बाहर निकाल लिए थे ताकि ना लेग पीस को कुछ भी ना हो <laughs> और फिर यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था फ्रूट्स को काटना और ये भी मेरे उसमें था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस तरह के छोटे छोटे काम करना ना तो बस मैं यहाँ पर फ्रूट्स को काट रही हूँ और उसके बाद फिर मैंने क्या करना था हाँ यहाँ पर मैंने खरबूजा वगैरह काटा और ये जो बेसन था थोड़ा बहुत वो घोला प्याज वग़ैरह मेरी आप ही ने करके रखा था आलू शालू भी उन लोगों ने कटिंग की थी मैंने कुछ नहीं किया था और बस इसके बाद मैं लगाऊंगी फ्रूट्स की ट्रे बनाऊंगी और उनको फिर लगा के फ्रिज में सेट कर दूंगी और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ यखनी वाला जो पुलाव है वो बिल्कुल उसका जो मसाला है ना वो बिल्कुल रेडी था और बस अब इसमें ना चावल शायद ऐड कर दिए थे नहीं अभी नहीं किए थे आप ने बस इसके बाद चावल ऐड करेंगे और दम लगा देंगे ठीक है और यहाँ पर स्टार्ट होगी है चना चाट की रेसिपी अच्छा मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी बहुत मज़े की मेरी है ना आप ही बनाती है जिसको हमने नाम दिया हुआ है कि गंदी वाली चाट गंदी वाली से जो बाज़ार से चाट मिलती है ना थोड़ी पानी वाली थोड़ी वो खटाई टाइप की उस टाइप की चाट क्योंकि दही वाली तो चाट हम भी घर में बना लेते हैं लेकिन ये बड़े मजे की बनती है और बस मैं जब अंदर आई तो यहाँ पे बच्चे अपने मतलब के काम पे लगे हुए थे और कलर्स ये वो क्योंकि नई क्लासेस स्टार्ट हुई है ना तो आपको पता बच्चों को उसका शौक ही अलग होता है हर हमको बुक्स ही देखते रहते हैं यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ आपके साथ चाट की रेसिपी सबसे पहले ना जो लोबिया चने और लोबिया चने और आलू जो थे वो सब ऐड किए और जब हम लोग चने बॉयल करते हैं ना उसका पानी भी इसमें ऐड किया ठीक है दूसरी साइड के ऊपर उसमें जो इमली का पानी होता है वो टाटरी नमक मिर्चें ये सब चीज़ें ऐड की हैं और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया पुदीना टमाटर और हरी मिर्चें प्याज ए, धनिया अगर है वो आपके पास वो भी ऐड कर एडिए आपने इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड किया था और लेमन जूस भी ऐड किया था और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिए तो बन गई हमारी ये चाट अच्छी मजेदार सी और बहुत यकीन मानी बहुत रिमी बनती है इस तरह और बस यहाँ पर मैं बना रही थी रोफ़्जा और ये हम लोग बाल्टियों में बना रहे क्योंकि माशा बंदे ज्यादा थे हम लोग थे मेरी खाला थी और आप ही वगैरह थे मतलब हमारे हस्बैंड भी सब थे माशाला से माशाला से अफ्तारी बहुत अच्छी हो गई थी और यहाँ पर बन रहे थे पकौड़े और ये आप ही बना रही थी और ना नफतारी का टाइम बहुत पास था और माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा ना प्लाव जो था वो भी बन के रेडी हो गया था तकरीबन तीन से चार किलो प्लाओ था और बहुत मजे का बना था साथ में भाई जो था वो कचोरियाँ समोसे इस टाइप की भी चीजें ले आए थे और यहाँ पे भाभी अब निकाल रही हैं बर्तन ये उनका सारे मतलब कि जहेज के और ये इस तरह के सारे बर्तन थे अच्छा मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह के बर्तन देखना मैं अपनी भी शुक्र आपको एक एक दफ़ा शायद दिखाई है प्यारे प्यारे बर्तन मुझे ना यूज़ करना और मुझे ना जमा करने का बहुत शौक है जी तो यहाँ पे भाई जो है मीठे में सेवर फूड ले आए थे और वहाँ के चावल थे और ये तो होते हैं मजे के सबके फेवरे फिर होते हैं तो बस यहाँ पे भाभी जो है वो बाहर निकाल थी और मैं यहाँ पे फटाफट शूट ले कर रही थी क्लिप बना रही थी और बस जल्दी जल्दी में उन्होंने जो दिखाया और मैंने जो रिकॉर्ड कर सका मैं कर मैंने कर लिया जी तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं कर रही हूँ फ्रूट की ट्रेज बना रही हूँ मुझे इसका भी बहुत शौक है इस टाइप के छोटे छोटे काम करने का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इसके बाद मैं यहाँ पर निकालती थी चाट क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अफ्तारी का टाइम बस पास था और मैं यहाँ पर चाट निकाली थी और बाहर ना पकौड़े और उस टाइप की चीज़ें मतलब क्या ना पूरे कमें रश था बहुत ज़्यादा और यहाँ पर बच्चियाँ जो थी वो वो लगाने लगी थी और मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके लोगों के लिए क्लिप बना लेती हूँ और बस माशाला से स्टार्ट हो गई थी तैयारियाँ अच्छा यहाँ पर बन रहे हैं बैंगन के पकौड़े आलू के पकौड़े मिक्स पकौड़े और यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुए बैंगन के पकौड़े बनना और ये हमारे जो मिक्स पकौड़े ना उसकी सारी तैयारी चल रही है अच्छे से मसाले और बेसन वगैरह सब चीज़ें इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई अपने चैनल पर आप देख सकते हैं और बस इसके बाद यह है कि फ्रैंक का काम बहुत ज़ोरों शोरों से मतलब कि स्टार्ट था और आलू वाले पकौड़े थोड़े कम बनाए थे क्योंकि ना अफ्तारी बिल्कुल ना कहें कि टाइम हो गया था और लाइट इतना तंग कर रही थी इतना तंग कर रही थी अभी भी देखें यूपीएस यूपिया, है ना तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सके अगर ना होता तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता तो यहाँ पे बच्चे माशाला से लगे हुए थे सब कुछ अपना कह रहे हैं ना अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे और माशाला से यहाँ पे देखें दस्तर खान जो था वो रेडी था अभी इसमें बहुत सी चीज़ें भी ऐड होनी है जैसे पकौड़े सालन चाट चावल और मतलब इस टाइप की ना छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सारी थी अब यहाँ पे फाइनल आप देख सकते हैं दस्तर खान की लुक जिसमें चाट है सालन है पकौड़े समोसे कचोड़ियाँ फ्रूट्स चना चाट और ये शरबत वगैरह माशाल्लाह से ये सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी और सबसे मज़े की बात ना जब सब मिल के इकट्ठे खाते हैं ना उसका मज़ा ही अपना होता है तो यहाँ पे मैं घर आ गई थी और ये सब चीज़ें भाभी ने घर कर दे दी थी तो ये मेरा व्लॉग था मैं उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें इससे आपको मेरी वीडियो आपको सारी से मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है तो मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़